वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका है। स्टार्टिंग से हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका है जो पहला टॉपिक चैप्टर है संज्ञा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी हो गया, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, तो इसमें से इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक संज्ञा। अर्थ के आधार पे आपके संज्ञा क्या होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। हम इसको बहुत इजी वे में समझे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार से संज्ञा आपके पांच प्रकार के होते हैं। संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे हो जाता है, आपका सबसे पहला जो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाता है, पार्टिकुलर मतलब यहाँ पे है नाम से, किसी भी चीज़ का यहाँ पे कोई भी हो, जैसे गंगा, जमुना, यमुना, रोहन, मोहन, सोहन, ये क्या है, एक नाम है। तो जो एक नाम को दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका, आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे हो गया गंगा, राम, मोहन, सोहन, ये आपके क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, नाम होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका क्या हो जाता है, किसी जो है नाम के बारे में बताता है, जैसे लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, ये क्या हो गए, ये एक नाम है। तो नाम के बारे में आपका क्या बताता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताता है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाता है, जातिवाचक, जाति वाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाता है, इसमें क्या है, जाति के बारे में बताता है ना, पार्टिकुलर किसी एक नाम के बारे में नहीं बताता है, होल ग्रुप के बारे में यहाँ पे जो है बताता है, यहाँ पे जाति के बारे में बताता है। तो यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा में आपका क्या हो जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाता है कि नदी, अब यहाँ पे नदी क्या है, नदी कोई एक एक नदी थोड़ी है, वो कोई भी नदी हो, जितनी भी नदियाँ हैं विश्व में, किसी भी नदी को हम क्या कह सकते हैं, एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे चाहे वो मुंबई की नदी हो, चाहे यूएसए की नदी हो, चाहे अमेरिका की नदी हो, यहाँ पे नदी क्या है, एक जाति है। तो जाति क्या हो गई, नदी आपके क्या हो जाता है, जातिवाचक आपका जो है संज्ञा हो जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पे हो गया, दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया लड़का। अब यहाँ पे लड़का क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लड़का चाहे मुंबई का लड़का हो, चाहे यूएसए का लड़का हो, चाहे अफ्रीका का लड़का, वो तो है ही, उसका जाति जो है वो लड़का तो है ही, उसको लड़का ही बोलेंगे, चाहे जहाँ का हो लेकिन वो लड़का तो ही है ही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो ये हो गया आपके जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें किसी एक का नाम न लेके जो कॉमन होते हैं हर जगह, उनको वही नाम से बुलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है थर्ड, यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड आपका यहाँ पे जो हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, मतलब इसमें जो है आपके तत्व होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि लोहा हो गया आपका, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो चौथा आ जाता है, चौथा आपका क्या होता है यहाँ पे, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे देखेंगे तो समूहवाचक संज्ञा मतलब ग्रुप में जो हो, समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा, अब समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा, जिसमें क्या हो, ग्रुप में हो, मतलब कोई चीज जो है ग्रुप में हो, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, सेना हो गया, ये सब क्या है, ये किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप से मिलके बने हैं। जैसे क्लास हो गया आपका, तो किसी एक चीज़ से नहीं बने, यहाँ में बहुत सारे लोगों से मिलके आपका ग्रुप में क्या बन गया है, आपका क्या हो गया है, द्रव्यवाचक जो है समूहवाचक संज्ञा जो है बन गया है। तो जैसे परिवार हो गया आपका, ये क्या परिवार को, परिवार हम किसको कहते हैं, एक आदमी से मिलके परिवार थोड़ी बनता है, दो तीन लोगों से मिलके क्या बनता है, परिवार। तो परिवार में तो क्या हो गया, आपके ग्रुप हो गया, मतलब समूह, समूह से मिलकर जो आपका बना है वो समूहवाचक संज्ञा हो गया है। जैसे परिवार आपका क्या हो गया, एक दो व्यक्ति से मिलकर ही तो बना होगा परिवार, तो आपका क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि आपका हो गया सभा हो गया, सभा, टीम हो गया आपका, ये आपके क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। लास्ट में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लास्ट में आपका क्या हो गया, लास्ट में आपका जो आ जाता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, इसमें हम जाता है घबराहट, घबराहट, जैसे कि आपका थकान, भाववाचक संज्ञा आपका क्या होता है, जिसमें कि आपके भाव, आपके मतलब भाव का पता लगे। जैसे घबराहट आप क्या हैं, घबरा गए, थकान क्या है, आप थक चुके हैं, ये जिसमें कि आपका भाव से, भाव का पता लगे, उसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा हो गए। तो ये आपके संज्ञा का क्लास था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये पांच प्रकार के आपके जो है संज्ञा होते हैं। तो आप इसको इजी वे में और बुक से आप क्या है, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम का पता चले। जैसे गंगा क्या है, नाम है उस किसी नदी का, राम किसी लड़के का नाम है, मोहन किसी लड़के का नाम है, जाति क्या है, नदी, नदी क्या है, जात है, चाहे जहाँ की नदी हो, चाहे अमेरिका की नदी हो, यूएसए की नदी हो, कहीं की भी नदी, उसको नदी ही हम बोलेंगे। लड़का जैसे क्या है, वो कहीं का भी लड़का हो, लड़का है तो लड़का ही तो उसको बोलेंगे, उस लड़का क्या है, उसका एक जाति है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि पदार्थ हो गए आपके सोना, लोहा, चांदी, ये सब क्या हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा हो। समूहवाचक मतलब समूह से मिलकर कोई चीज़ बना हो तो उसमें समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे परिवार क्या है, दो तीन व्यक्तियों से मिलकर क्या बनता है, आपका परिवार बनता है, तो परिवार क्या हो गया, आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। सभा क्या होती है, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, तो सभा हो गया। टीम क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर से मिलकर, आपका खिलाड़ी से मिलकर क्या बनती है, आपका टीम बनती है, तो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि आपके भाव का पता लगे। जैसे कि आप घबरा गए तो घबराहट, जैसे कि आप थक चुके हैं तो आपको कैसे पता चला कि थक चुके हैं, आपका ये भाव है, थकान, ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा। आई होप अगर आपको वीडियो ये अच्छे से समझ आया होगा, आप और सारे एग्जाम्पल लेके बुक से प्रैक्टिस करते सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।